अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ कोर्स अबाउट इन पेज सॉफ्टवेयर। और इन पेज सॉफ्टवेयर की इस पहली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना न्यू पेज कैसे ओपन कर सकते हैं और अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे सेव कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले फाइल के मेन्यू में जाएंगे। फाइल के मेन्यू में कई ऑप्शन होंगे। यहाँ हमने जस्ट न्यू पर क्लिक करना है तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारी सेटिंग करेंगे। और अगर आप अपने कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट का। देन यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे जो हमें चाहिए। हम अपना पेज जैसे चाहिए वहाँ वैसे ही हम अपना टाइप करेंगे और ओके कर देंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ साइज़ को देखेंगे, हमें अपने पेज का साइज़ कैसे चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है वो A4 ही होता है तो यहाँ पर A4 दिया गया है। नेक्स्ट हम इसके ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारे पास कई साइज़ मौजूद हैं। तो यहाँ कस्टम साइज़ भी मौजूद होता है बिलो सबसे। तो यहाँ ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ ये सब साइज़ मौजूद हैं। अपने कोई भी आप साइज़ पेज का ले सकते हैं। नीचे कस्टम साइज़ भी मौजूद है। कस्टम साइज़ पर क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से हम अपना पेज का साइज़ बना सकते हैं कि हमें किस तरह का चाहिए। अब यहाँ से हम विड्थ एंड साइज़ पेज की खुद ही बना सकते हैं कि हमें किस तरह का चाहिए पेज, अपने पेज विड्थ एंड साइज़। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दो ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो पोर्ट्रेट होता है लंबाई में पेज होता है और लैंडस्केप वो चौड़ाई में पेज होता है। नेक्स्ट है पेजेस। हमें पेजेस के यहाँ लिखना है कि हमें पेजेस कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 300 जो भी जितने भी पेजेस चाहिए यहाँ राइट डाउन कर दें। नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन हमारे पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए। जहाँ हमने मार्जिन हुआ था जहाँ हम टेक्स्ट राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि हमारे डायरेक्शन क्या होने चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ्ट होता है, उर्दू राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती तो यही हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि कॉलम क्या होने चाहिए हमारे पेज के, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जितने कॉलम्स चाहिए हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। अभी मुझे फर्स्ट जस्ट एक ही चाहिए तो मैं यहाँ कोई राइट डाउन नहीं कर रही, आप अपना मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है गटर। गटर जब हम कॉलम लेते हैं तो उनके दरमियान की जो स्पेस होती है कॉलम के दरमियान की स्पेस उसे गटर कहते हैं। तो यहाँ हम गटर सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि उनके दरमियान की जो क्या स्पेसिंग होनी चाहिए उसे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये सब करके आपने जस्ट ओके कर देना है तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से भी आप एंटर कर सकते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम अपने पेज को देखना चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली एज इट इज़ है जैसे हमने दिया है। तो हम अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे और जूम पर जाएंगे तो फिटिंग विंडो करेंगे तो ये हमारा कम्प्लीट पेज हमें शो होगा। हम अपने पेज को देख सकते हैं कि सब कुछ सेट है या नहीं। देन हम इसको अगेन एक्चुअल कर देते हैं। कोई सा भी साइज़ आप ले सकते हैं पेज का, जूमिंग का कोई किसी तरह भी जूमिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे मैं जो लिखूँ आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट राइट करती हूँ ताकि मैं अपना डॉक्यूमेंट सेव करूँ और अगेन जब इसे ओपन करूँ तो इससे आगे मैं लिख सकूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ इस्लाम सबसे बड़ा अच्छा मज़हब है, इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। ये मैंने टेक्स्ट राइट कर दिया है। अब हमने अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो ताकि मैं इसे अगेन ऊपर ओपन करूं तो मैं यहीं से ही अपना स्टार्ट कर सकूं नेक्स्ट। देन अब हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे, वहां से सेव का जस्ट क्लिक करेंगे। फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ सेव का ऑप्शन इसे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स सेव डॉक्यूमेंट एस का ओपन हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ मैंने न्यू डॉक का नाम दे दिया। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ सेव होना चाहिए एंड देन सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन। आप अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल सेव प्रेस कर सकते हैं। हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब ओपन कैसे करेंगे यही डॉक्यूमेंट्स। ओपन करने का तरीका ये है कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ये। लेकिन अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो जस्ट ओपन पर क्लिक करेंगे, फाइल के मेन्यू में जाके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने जस्ट सिंपली इसे ओपन कर देना है। इसे ओपन कर देंगे तो हमारा वही डॉक्यूमेंट अगेन ओपन हो जाएगा। हम अगेन इसकी टेक्स्ट राइटिंग कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, दिस इज़ द कोर्स अबाउट इनपेज सॉफ्टवेयर। और इनपेज सॉफ्टवेयर के पिछले वीडियो में हमने जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें सीखा था कि हम अपने न्यू पेज कैसे ओपन कर सकते हैं और हम अपना डॉक्यूमेंट कैसे सेव कर सकते हैं। इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने जो टेक्स्ट है, ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके। मतलब कि हम अपने टेक्स्ट की कलरिंग कैसे कर सकते हैं या उसकी राइटिंग जो है उसे उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, लाइनिंग करनी हो हमें अपने टेक्स्ट के, अंडरलाइन करना हो, ओवरलाइन करना हो, डबल लाइन करना हो, कुछ भी करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और हम अपने जो टेक्स्ट हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और लाइनिंग्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उसे कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे थोड़ी डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग जो भी कहते हैं वो करेंगे। ऊपर जो दिखी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिलेक्ट करें। अगर हमने अब इसे बोल्ड करना है या इसे कलरिंग चेंज करनी है तो कुछ भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कलरिंग चेंज करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को कलर कैसे कर सकते हैं, मीनिंग जब भी कोई हाईलाइट वगैरह कुछ भी करना हो तो यहाँ से हम इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। अगर अब हमें राइटिंग चेंज करनी है या स्टाइल राइटिंग का और करना है तो यहाँ से हम उर्दू राइटिंग का जो स्टाइल है वहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कर दिया, आसर बोल्ड कर दिया, देखेंगे कैसा हो गया टेक्स्ट की जो हमारा स्टाइल है उर्दू टेक्स्ट स्टाइल वो चेंज हो गया है यहाँ से। अब हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मतलब हमारा बोल्ड का मतलब बोला होता है कुछ थोड़ा सा मोटा करना है बाकी टेक्स्ट से। तो हम अपने टेक्स्ट को पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, या यहाँ हम वी का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ जस्ट हम वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। और अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारा ये बोल्ड हो जाएगा, या यहाँ से आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे बी पर तो फिर ये बोल्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ मेरा बोल्ड हो गया। नेक्स्ट है इटैलिक करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करें तो इटैलिक हो जाएगा, मीन तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा। ये यहाँ से जो ऑप्शन आई का नज़र आ रहा है यहाँ हम जस्ट वन टाइम क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ जस्ट वन टाइम क्लिक किया है तो ये इटैलिक फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम इटैलिक या बोल्ड वगैरह कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नेक्स्ट है अगर हम अपने हमारा जो टेक्स्ट है उसे हम कुछ हाईलाइट वगैरह करना चाहते हैं तो हम उसे हाईलाइट कैसे करेंगे या प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, जैसे ये इस्लाम है मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ सबसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करूँगी। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा हम साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह फिर हम इसके कलरिंग वगैरह चेंज करेंगे। इसे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर देती हूँ मैं इसे। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। अब हम इसका कुछ भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, राइटिंग चेंज कर सकते हैं, ओवरलाइन, अंडरलाइन, पैटर्न, रिवर्स, जो भी करना हो हम कर सकते हैं। अब हमने कोई भी टेक्स्ट अगर अंडरलाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ जो है वो सारी ऑप्शन दे दिए हुए हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन, बॉक्स, रिवर्स, पैटर्न, ये सब कुछ यहाँ दिया गया है। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ सिंगल लाइन कर रही हूँ तो यहाँ मेरी सिंगल लाइन अप्लाई हो चुकी है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि हम अपने जो टेक्स्ट है उन टेक्स्ट की जो लाइंस हैं उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है उसे कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसे स्पेसिंग कम या ज़्यादा करने के लिए हमें ऊपर प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को। मैंने दो पैराग्राफ इसे ले लिए ताकि एक को हम थोड़ा इसकी लाइनिंग जो स्पेसिंग है उसे कम कर सकें, दूसरे की लाइनिंग के दरमियान स्पेसिंग को ज़्यादा कर सकें। तो फर्स्ट हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। इसकी लाइनिंग के दरमियान जो स्पेसिंग है मैं यहाँ से इसे थोड़ा कम करूँगी
ताकि आपको भी प्रोमिनेंट हो जाए। या ये ऊपर वाला जो बॉक्स है जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर प्रिंट कर रहा है, यहाँ से हम स्पेसिंग को कम कर सकते हैं लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग को। ये देखिए मैंने यहाँ स्पेसिंग कम की है, तो यहाँ लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग कितनी ही कम हो गई है। अगर मैं थोड़ा इसे और करती तो ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है जो लाइन्स हैं। तो इस तरह से हम अपने लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग को कम कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा करना है लाइन के दरमियान की स्पेसिंग को, तो हम नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस बॉक्स में जाएंगे। उस बॉक्स में जाने के बाद वहाँ से हम इसकी जो स्पेसिंग है उसे बढ़ा देंगे। चलें पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ से हम इसकी जो है स्पेसिंग को हम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इंक्रीज़ किया तो इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ हो गई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लाइन के दरमियान की स्पेसिंग को कम किया था, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लाइन के दरमियान की स्पेसिंग को ज़्यादा किया था। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब ये वाला जो ऑप्शन है, ये इससे हम अपने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के दरमियान की जो स्पेसिंग है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें हम कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, और जब टेक्स्ट यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हम ऊपर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर वहाँ से हम टेक्स्ट के दरमियान की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी स्पेस बढ़ा दूँगी ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए कि हम अपने टेक्स्ट के दरमियान के जो हमारे जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान की स्पेसिंग को हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं या कम कैसे कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं इसे इनक्रीज़ कर दूँगी इसके दरमियान की स्पेसिंग। तो ये मेरे जो वर्ड्स हैं तो इन सब के दरमियान स्पेसिंग इक्वली डिवाइड हो जाएगी, इक्वली बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ तो मैंने इसकी स्पेसिंग को बढ़ा दिया है, तो यहाँ इसकी स्पेसिंग बढ़ गई है। अब नेक्स्ट है कि हम अपने ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसका जो फॉन्ट है यहाँ से कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये परसेंट में है, तो हम इसे ओवरऑल जो अपना जो फॉन्ट है, टेक्स्ट फॉन्ट है, उससे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसके फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल को, कंट्रोल ए प्रेस करना है, ओवरऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी जो है वो फॉन्ट, अपना फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ कर देती हूँ। तो डिक्रीज़ करने के साथ देखिए मेरा कितना छोटा सा हो गया, ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया। ओवरऑल हम अगेन सेलेक्ट करते हैं और इसको इसकी जो है वो बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा देते हैं यहाँ से परसेंट में। तो ये हमारा ओवरऑल जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट है, उसका साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, एंटर कर देना है। ये देखें अब ये ओवरऑल जो हमारा टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। सो दिस इज़ द वे हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग वगैरह सब ओवरऑल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। ये मेरा जो टेक्स्ट मैंने राइट किया है, ये जस्टिफाई मैंने अलाइन किया हुआ है, और ये दोनों तरफ से मार्जिन से सही है। मेरे कर्सर पर थोड़ी नज़र रखिएगा। मैं यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट पर क्लिक करती हूँ, ये कौन सा अलाइनमेंट है। ये देखिए मैंने यहाँ जस्ट क्लिक किया तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, मतलब ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट, यहाँ मैंने जस्ट क्लिक किया तो राइट अलाइन हो गया। और ये है मिड अलाइनमेंट, तो मेरे कर्सर मिड में आ गया, मतलब यहाँ से हम टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जस्टिफाई। ये जो मेरा टेक्स्ट है ये ऑलरेडी जस्टिफाई है, कोई भी हम टेक्स्ट राइट करते हैं तो जस्टिफाई का ज़रूरी होता है करना। तो यहाँ से ये देखिए मैंने जस्टिफाई इसको किया हुआ है, तो ये मेरा दोनों तरफ से मार्जिन से मेरा टेक्स्ट कम्प्लीटली अलाइन हुआ हुआ है, मतलब फिक्स हुआ हुआ है, ना इस राइट साइड से कोई स्पेसिंग ज़्यादा है ना लेफ्ट से। नेक्स्ट है फोर्स टू जस्टिफाई। जैसे हम अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स जस्टिफाई क्या होता है। जब हम फोर्स टू जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, तो हमारा ये कम्प्लीटली लाइन में फैला देता है, मतलब एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक जितनी स्पेस होती है उस पर उसे कवर कर देता है।
तो ये होता है फोर्स्ड जस्टिफाई। देन हम इसी को हम लेफ़्ट राइट करते हैं, लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट पर तो हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड, बल्कि पूरा पैराग्राफ ही लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग बिल्कुल जो है वो मार्जिन के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ से स्पेस है। अब हम राइट साइड पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा जो पैराग्राफ है वो राइट साइड पर अलाइन हो जाएगा। यहाँ से मार्जिन से देखें बिल्कुल कम्प्लीटली कोई स्पेसिंग नहीं, बट यहाँ से स्पेसिंग है इसकी। हमारा पूरा पैराग्राफ राइट साइड अलाइन हो गया। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हम मिड में अपना टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से स्पेसिंग है और ये हमारा मिड में अलाइन हो गया है पूरा का पूरा टेक्स्ट। अब नेक्स्ट है जस्टिफाई। ये देखिए मेरा ऑलरेडी जस्टिफाई था, जस्टिफाई करेंगे तो हमारा दोनों तरफ से कोई स्पेसिंग नहीं होगी और कम्प्लीटली सेट हो जाएगा। कोई भी टेक्स्ट राइट करते हैं तो उसे जस्टिफाई लाजमी करते हैं। माशाल्लाह से देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने इसे जस्टिफाई किया तो हर टेक्स्ट को जस्टिफाई करना लाजमी होता है। नेक्स्ट है फोर्स्ड जस्टिफाई। हमने पहले ही सीख लिया कि फोर्स्ड जस्टिफाई क्या होता है। देखिए मैं अगेन करके दिखाती हूँ, ये मैंने इसे किया है तो ये कम्प्लीटली लाइन में पूरा फैल गया, लेकिन ये थोड़े से ही वर्ड से, जितने थोड़े से वर्ड हों इसे पूरे कम्प्लीटली में एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक फैला देगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मास्टर पेज की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए हम नीचे दिए गए जो एम लिखा हुआ है, जस्ट एम लेटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मास्टर पेज जो है वो हम मास्टर पेज पर आ जाएंगे। यहाँ जस्ट एक बार क्लिक करें और ये देखें हम अपने मास्टर पेज पर आ गए हैं। अब हम इसके सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हम इसके सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल लें, पेज पर क्लिक करें, सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए मैंने जस्ट क्लिक किया तो सिलेक्शन इसकी हो गई है। अब यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग नज़र आ गई है। फिट इन टू विंडो करेंगे ताकि आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए। ये देखिए हमारा फुली पेज मास्टर पेज आ चुके हैं और उसके इधर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसको यूज़ करेंगे और हम इसको डिज़ाइन करेंगे अपने मास्टर पेज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई सी भी अपनी मर्जी से कोई भी बाउंड्री ले सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कोई सी बाउंड्री, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी चौड़ाई को देख लेते हैं। ये बहुत ही चौड़ाई कम इसकी लिखी हुई है जो बाय डिफ़ॉल्टेड होती है, तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा, ताकि कुछ अच्छा लगे। नहीं, ये थोड़ा सा कम है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए फुली। अब नहीं, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा तो हम इसकी बाउंड्री थोड़ी चेंज कर देते हैं, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें यहाँ ये प्रोमिनेंट हो रहा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चलें यहाँ हम इसका यहाँ से विड्थ इंक्रीज़ करते हैं और यहाँ से अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। हम बाउंड्री का कलर कोई सा भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्टेड ये सब जो मेन कलर होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन हम कलर डिफ़ाइन करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ से हम कोई सा भी कलर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। देन मैंने यहाँ ब्लू कर दिया है, ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने बाउंड्री का। और अब नेक्स्ट है हम अपने पूरे पेज को कलर फिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना पूरा पेज फिल कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, फिल कलर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ अब येलो कर दिया है, येलो सेलेक्ट कर दिया तो मेरा पूरा पेज जो है वो येलो हो गया। अब यहाँ से हम इसको पूरे पेज को की लाइनिंग भी कर सकते हैं, कोई से भी यहाँ लाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी लाइनिंग्स के ऑप्शंस मौजूद है, पूरा पेज हमारा लाइनिंग आ जाएंगे। ये देखिए हमारा पूरे पेज की लाइनिंग आ गई, तो ज़्यादा भरा भरा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा और कुछ और देख लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पूरे पेज पर लाइनिंग आ गई है, तो यहाँ से हम लाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम अपने पेज की कितने कॉलम चाहिए, यहाँ से हम अपने कॉलम बना सकते हैं। हमारे पेज पे कितने कॉलम चाहिए तो यहाँ से हम कॉलम बनाएंगे। दो अभी फिलहाल सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास दो कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। और ये जो हमारे दरमियान में स्पेस है इसको हम इंक्रीज़ करने के लिए नीचे वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। इसकी स्पेस इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इसकी स्पेस ज़्यादा हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी लाइनिंग।
चलें जी ये देखें, ये समझ आ जाएगी आपको ये इसके दरमियान स्पेसिंग कम या ज़्यादा कैसे हो सकती है। यहाँ से हम पहले फोर था तो स्पेसिंग कम थी, तो अब हम इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ करेंगे। हमारे कॉलम, ये दो कॉलम है, कॉलम के दरमियान की ये स्पेसिंग आ गई कि इतना स्पेस होना चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि गटर भी कहते हैं कॉलम के दरमियान के स्पेस को, तो ये हमारा इतना स्पेस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड को फिल करेंगे, फिर लेफ्ट को। अब ये है एंगल, एंगल को हम यहाँ से कोई सा भी एंगल ले सकते अपने पेज का। ये देखिए मैंने ये किया है तो ये आ गया, इस तरह आ गया है। कोई सा भी हम 45 लेते हैं, 45 डिग्री, तो ये देखिए 45 डिग्री पर कैसे होता है, तो इस तरह का हमारा पेज आ जाएगा। किसी फॉर्म में भी आपको चाहिए, किसी एंगल में भी चाहिए, तो यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि हम और फॉर्मेटिंग सीख सकें प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। देन फ्रेंड्स, अब इसको जब हम टेक्स्ट को राइट करते हैं तो हमें इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ से हम अगेन लाइनिंग कर देते हैं जो फॉर्मेटिंग में हमने की थी, पूरे पेज की लाइनिंग की थी। देन फ्रेंड्स, इसको हम अनसेलेक्ट करेंगे तब हम इसको राइट कर सकेंगे। पहले हम इसको राइट जो कॉलम है उसको फिल करेंगे, फिर लेफ्ट कॉलम को फिल करेंगे। अब हम इसकी सिलेक्शन ख़त्म करते हैं, हम मास्टर पेज एम पर क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब इसको हमने लिखना है तो यहाँ राइटिंग टूल से हम यहाँ लिख भी सकते हैं, तो राइटिंग प्रॉपर्टीज़ ऊपर देखें शो हो रही हैं। यहाँ से अब हम इसको लिखेंगे, थोड़ा साइज़ का इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि नज़र भी आए। तो यहाँ से जो राइट कॉलम है इसको पहले फिल करना है, उसके बाद हम लेफ़्ट कॉलम को फिल करेंगे। तो इस तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम इन तमाम टूल्स के बारे में सीखेंगे कि ये टूल्स क्या हैं और किस काम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग टूल, एंगल टूल एंड बाकी डिटेल हम सारे मज़ीद आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन दोनों टूल्स के बारे में सीखेंगे कि ये टूल्स क्या हैं। चीज़ें दो किस्म के आपको आइन नज़र आ रहे हैं, दो आइन बॉक्सेस में, ये किस काम आते हैं, तो ये हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले हम आइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ अपने पेज पर अप्लाई करते हैं। अब फ्रेंड्स, अप्लाई करने का तरीका ये है कि हम इसे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ शो इसीलिए हो रहा है ताकि हम यहाँ मतलब कुछ लिख भी सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल से इसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं और राइटिंग टूल से हमें यहाँ कुछ भी राइट करना तो वहाँ हम राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसे मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ, यहाँ से थोड़ा इसका इंक्रीज़ कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। अब नेक्स्ट है जो हम इसकी राइटिंग चेंज करेंगे, यहाँ से हम इसकी राइटिंग जो स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से। मिड में अलाइन कर देती हूँ, ये सब आपने सीखा हुआ पहले ही पिछली वीडियोज़ में। तो एंटर करूँगी तो ये हम कहीं पर भी इसको बॉक्स को रख सकते हैं या स्पेस वगैरह से आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, बॉक्स में कहीं भी अपने वर्ड्स को फिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम ये जो दो टूल्स हैं इनके बारे में हम सीख रहे हैं। जो फर्स्ट वाला ये टूल्स है इसके बारे में आपको बता रही हूँ, मैंने ये अप्लाई किया हुआ है यहाँ। तो इसको हम सिलेक्शन टूल लेकर इसको हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फ्रेंड्स, इस जो टूल की मज़े की बात यह है कि हम इसे ड्रैग करके कहीं भी फिट कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। तो ये देखिए मैं कहीं भी रखती हूँ तो यहाँ वो जो टेक्स्ट है उसके साथ ही ये अप्लाई हो जाता है। और ये जो हमारे पास ये सिलेक्शन जो हमने की थी, ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इससे हम का जो बॉक्स है उसका साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ थोड़ा सा, तो इन सब के साथ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने जो बॉक्स उसको कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बाउंड्री फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सेलेक्ट करेंगे। बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ तो थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे, ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो इसीलिए थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बाउंड्री का। यहाँ से हम एंगल इसका चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो हम जहाँ मर्जी हम अपने पेज पर इसे फिट करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट हम फिल कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से फिल करने के लिए मैं यहाँ येलो कलर ले लूँ तो फिल लाइनिंग्स भी कर सकते हैं यहाँ से। फिल लाइनिंग्स करने के बाद ये पूरा जो बॉक्स है वो लाइनिंग वाला हो जाएगा।
तरह आप ये इस बॉक्स की इसे सिलेक्ट करके इस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ओवरऑल। अब इसका एंगल अगेन से हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। ऊपर कर लेते हैं इसे ड्रैग करके। तो इसकी यही खासियत है कि हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आइन है इस पर इसे हम सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्या कमाल हैं। तो मैंने यहाँ से ड्रैग किया तो यहाँ छोड़ा और ये हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ कुछ कोई भी टेक्स्ट। इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे कि इनका क्या डिफरेंस है, ये दोनों टूल्स क्यों हैं और कैसे वर्क करते हैं। फ्रेंड्स जो फर्स्ट वाला जो आयन लिया था उसमें हमने जो लिखा था तो वो इस तरह इंक्रीज नहीं होता था जैसे ये बॉक्स में हम एंटर करते हैं तो ये बॉक्स बढ़ता जाता है। तो यही इनके दरमियान का डिफरेंस है। आगे मज़ीद हम चल के इसको करेंगे लेकिन अभी इसकी थोड़ा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसकी बाउंड्री मैंने सेलेक्ट किया, इसकी विड्थ मैं इंक्रीज कर रही हूँ। अब विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए सही से। और अगेन थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, कलरिंग फिल कलर कर लेते हैं, बाउंड्री फिल कलर एंड देन लाइनिंग्स। अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें सिलेक्शन टूल लेकर हमने कोई सा भी बॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। अब हम इन दोनों बॉक्स को कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। अब राइटिंग टूल लिया मैंने, यहाँ हम राइटिंग कोई भी करते हैं। अब इस बॉक्स के बारे में हम जानेंगे हम कितनी राइटिंग यहाँ कर सकते हैं। देखिए हम इस बॉक्स से ज़्यादा हम कोई भी राइटिंग करेंगे तो अंडरलाइन रेड हो जाएगी, यानी कि रेड लाइन आ जाएगी। ये रेड लाइन क्यों आती है? क्योंकि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉक्स से ज़्यादा है, मतलब हम बॉक्स से ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ राइट नहीं कर सकते। या तो हमें यहाँ से अपना जो बॉक्स है वो बढ़ाना पड़ेगा या फिर हमें टेक्स्ट को कम करना पड़ेगा। तो और इन दोनों के दरमियान का यही डिफरेंस है कि एक को हमें खुद ही बढ़ाना पड़ता है और एक ऑटोमेटिकली खुद से इंक्रीज़ हो जाता है बॉक्स। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स हमारे पिछले को जो वीडियोस थी उनमें आप इन तमाम टूल्स के बारे में जान चुके हैं। यहाँ तक जो है हमने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में सीखेंगे, इन तमाम टूल्स के बारे में सीखेंगे ये टूल्स क्या हैं और इन पेज में कैसे वर्क करते हैं और हमें कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये सारे हैं शेप टूल्स, ये रेक्टेंगुलर है, राउंड है एंड राउंड विद राउंड एजेस है, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड द कस्टम शेप मौजूद है इसमें। दिस वन इज़ द कस्टम शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला वाला सेलेक्ट करते हैं रेक्टेंगुलर टूल। इसको सेलेक्ट करें, क्लिक करें और अपने पेज पर इसे ड्रॉ करें। टू टाइम्स क्लिक करके इसे बस छोड़ देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। इसे ड्रॉ करने के बाद इसकी सिलेक्शन होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर आ गई हैं। फ्रेंड्स हमने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले वीडियोस में सीख लिया है तो इसे ज़्यादा मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जो न्यू हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लाइन लेंगे, इनकी बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे। बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए मैंने इसकी विड्थ इसकी इंक्रीज़ कर दिया ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये प्रोमिनेंट हो गया। अब इसका हम कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं तो इसका हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से कोई से भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, मैंने रेड ले लिया है। चलें तो यहाँ से हम पूरे को फिल कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी कलर हम ले सकते हैं फिलिंग करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एंगल चेंज करते हैं। एंगल यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं, जिस भी एंगल भी हमें चाहिए तो यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये है रेक्टेंगुलर शेप टूल। नेक्स्ट है हमारा राउंड और ओवल। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ इसे हम ड्रा करते हैं। अब हम इसे ओवल भी ड्रा कर सकते हैं, राउंड भी ड्रा कर सकते हैं। इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करते हैं, कलर करते हैं और विड्थ इसके थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, साइज़ और फिल कलर कर देते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, इसके भी सब कुछ हो गया। इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से ताकि इसकी बाउंड्री प्रोमिनेंट हो जाए थोड़ी सी। चलें जी इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर टूल विद राउंड एजेस। तो ये इसे हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। इसका भी सेम ऐसे करेंगे, बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन हम इसका कलर चेंज करेंगे।
कलर चेंज करेंगे, यहाँ से विड्थ थोड़ी इसकी इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ से इसका फिल कलर कर देंगे। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो जाएगा। ये देखें, ये प्यारा हो गया। अब हम इन सब को अंदर से भी हम इसकी लाइनिंग कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। तो हम इसकी लाइनिंग करेंगे पूरे जो इनर साइड है कम्प्लीटली। हम सबको इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसकी लाइनिंग कर देते हैं, बीच में इसको सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी भी लाइनिंग कर देते हैं। तो ये सारे हमने शेप टूल्स यूज़ किए हैं, ये सारे शेप टूल्स हैं। हम इसमें राइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो अब ये जो मैंने सेलेक्ट किया ये लाइन है, लाइन ड्रॉ करने के लिए इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि वह सही तरह से ये नज़र आ सके। अब ब्लैक कलर है तो इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं कहीं से भी। और यहाँ से देखते हैं यहाँ से कलर होता है कि नहीं। चले यहाँ से तो मेरे ख्याल से हो गया, फिल कलर नहीं होगा खैर से। तो हम यहाँ से कोई जो है वो इसकी फिल कलर नहीं कर सकते कि बिकॉज ये एक ही लाइन है। तो हम इसका कोई और कलर कर देते हैं, ये हमने कर दिया ये कलर। फ्रेंड्स, हमने कलर डिफाइन करना सीखा था अपनी वीडियोस में। सो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे हम अपना कस्टम शेप लेते हैं। कस्टम शेप में हम कोई सा भी शेप दे सकते हैं, इसकी बाउंड्री वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे ही एज इट इज़ सारे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि हम अपनी कस्टम शेप कैसे बना सकते हैं। विड्थ इसका इंक्रीज़ कर दिया है मैंने। अब इसकी मैं फिल कलर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कस्टम शेप है। अब इसे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले इसकी सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करके इसकी हम कस्टम शेप कोई सी भी हम जैसे शेप चाहते हैं वैसे बना लेंगे। सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया तो मैंने इसका डबल क्लिक कर दिया। अब डबल क्लिक करके आप इसे जहाँ भी छोड़ेंगे जैसे शेप बनाना चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। देखिए मैंने ये इसको अब यहाँ से डबल क्लिक करें, ऊपर ले जाएं, यहाँ इसे बस छोड़ दें ऐसे, तो जहाँ पे भी जैसे भी शेप बनानी है वैसे बन जाएगी। आई डोंट नो ये क्या बन गया, लेकिन कुछ तो है, बस कुछ भी आप बना सकते हैं इसे मतलब। चलें जी, ये हो गया हमारा कस्टम शेप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की पिछली वीडियोस में हमने इन तमाम टूल्स के बारे में पढ़ लिया है, सीख लिया है। ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। और हमने अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी थी वो भी हमने सीख लिया है, अलाइनमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने सीख लिया है। अब इस वीडियो में हम अपना कीबोर्ड कैसे प्रेफरेंस कर सकते हैं वो सीखेंगे। हम अपने कीबोर्ड प्रेफरेंस करेंगे और हम अपना कीबोर्ड कैसे खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम कलर डिफ़ाइन करना भी सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम कलर डिफ़ाइन कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कीबोर्ड प्रेफरेंस करते हैं। कीबोर्ड प्रेफरेंस के लिए हमने सबसे पहले एडिट के ऑप्शन में एडिट के मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस में जाना होगा। तो सबसे पहले हम एडिट के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ क्लिक करें जस्ट, और लास्ट में आपको प्रेफरेंसेस शो होगा। यहाँ आप अपना कर्सर रखेंगे तो आपको ये सारे डिटेल्स आ जाएंगी। तो सबसे लास्ट में जो कीबोर्ड प्रेफरेंसेस है इसे जस्ट क्लिक करना है और आपके पास ये आपका कीबोर्ड आ जाएगा, सॉरी कीबोर्ड प्रेफरेंसेस मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे तमाम डिटेल्स हैं, यहाँ से हम अपना कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं कीबोर्ड के, मेरा जो है वो फोनेटिक सेलेक्ट है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो इसमें मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं कीबोर्ड्स के, ऑलरेडी हमारे पास पहले से डिफाइन भी हैं, उर्दू, अरबिक, फारसी, ये तमाम मौजूद हैं। लेकिन कुछ हैं जो कि हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे यूज़र डिफाइन कीबोर्ड भी हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने जस्ट फोनेटिक अभी सेलेक्ट करना है, तो मैंने फोनेटिक पर क्लिक करके या दूसरी लैंग्वेजेस पर क्लिक करके जस्ट ओके कर देना है। लेकिन अगर यूज़र डिफाइन करते हैं, इनमें से कोई करते हैं, तो हमने इन पर क्लिक करना है। और यूज़र डिफाइन में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास सेव का ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन अगर हम कोई और सेलेक्ट करते हैं कीबोर्ड जो पहले से डिफाइन है,
और जैसे उर्दू, अरबिक, फ़ारसी, इनमें से कोई सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं इसे, तो हमारे पास सेव का ऑप्शन मौजूद नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही डिफाइन है, ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड डिफाइन है। तो अगर हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे तो सेव का ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर हम यूज़र डिफाइन में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सेव का ऑप्शन मौजूद होगा, क्योंकि हमने खुद डिफ़ाइन करना होगा अपना कीबोर्ड। हम यहाँ से कम्प्लीटली अपना कीबोर्ड डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ, और यहाँ से सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से हम अपना जो इंग्लिश में कुछ भी लिखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि उर्दू में वही आए, हमारी मर्ज़ी से आए। जैसे कि मैं एक ही जगह चाहती हूँ कि अलिफ़ आए, तो मैं अलिफ़ को डबल क्लिक करूँगी और डब्ल्यू की जगह यहाँ सेलेक्ट कर लूँगी, यहाँ वहाँ पुट कर दूँगी, ताकि मैं अगर ए लिखूँ तो मेरा उर्दू में अलिफ़ लिखा हुआ आए। तो इस तरह आप अपना पूरा कीबोर्ड रेफरेंस करके, डिफ़ाइन करके आप जस्ट सेव कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करें और क्लोज़ कर दें, तो ये इस तरह आपका कीबोर्ड डिफ़ाइन हो जाएगा अपनी मर्ज़ी से। लेकिन मेरा ऑलरेडी फोनेटिक है, तो मुझे जो सूटेबल है वो फोनेटिक है, मैं फोनेटिक यूज़ करती हूँ, तो मैंने फोनेटिक कर दिया और ओके कर देना है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है जैसे पश्तो, सिंधी, इनको सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है, और आपका नीचे भी शो होगा उर्दू और इंग्लिश के अलावा भी आपको ये सिंधी, फारसी और पश्तो, ये जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो शो होगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये अभी नीड नहीं है, तो मैं फिर इन्हें अनसेलेक्ट करके ओके कर देती हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कीबोर्ड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि कलर डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। उसके लिए हम फॉर्मेट के ऑप्शन में जाकर वहाँ से करेंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं कि कलर्स कौन से मौजूद हैं। ये जो बेसिक कलर्स होते हैं ये सिर्फ वही मौजूद हैं। अगर हमें अपनी मर्ज़ी से कोई कलर चाहिए तो हमें ख़ुद डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट के मेन्यू को ओपन करेंगे। फॉर्मेट के मेन्यू को ओपन करते ही लास्ट में डिफ़ाइन कलर का ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा डिफ़ाइन कलर्स का। यहाँ से हम अपने कलर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, न्यू कलर्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें। तो यहाँ पे जस्ट जो हमारे कलर दिए गए हैं बेसिक कलर्स मौजूद हैं। अब न्यू अगर हमने अपना कलर डिफ़ाइन करना है तो न्यू पर हम जस्ट क्लिक करेंगे, देन ओके करें न्यू पर। हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपने कलर का नाम देना है और जस्ट ओके करना है, तो आपके पास कलर आपका शो होगा। कलर शो होंगे, वहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नाम लिखें अपना और यहाँ जस्ट ओके कर देना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की पिछली वीडियोस में हमने अपना कलर डिफाइन कैसे करना है ये सब सीखा था, और हम अपना कीबोर्ड कैसे प्रेफरेंस कर सकते हैं ये सब कुछ सीखा था। लेकिन इस वीडियो में हम अपनी स्टाइल शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये सीखेंगे, और स्टाइल शीट क्रिएट क्यों की जाती है। फ्रेंड्स, जब हम कोई बुक्स राइट करते हैं तो हमने उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, नंबरिंग देनी होती है, तो हम तमाम को अलग-अलग उनकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, उनको उनकी कलरिंग, उनके ये सब चीज़ें हम उसके स्टाइलिंग नहीं कर सकते, डिज़ाइन सेपरेटली नहीं कर सकते, या उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो हम सेपरेटली सबकी चेंजिंग्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्टाइल शीट क्रिएट की जाती है, और तो इसका यही फ़ायदा है कि हम एक ही क्लिक पर सब कुछ जो हमने हेडिंग तमाम चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं अपनी। हम जो स्टाइल शीट क्रिएट करनी है हम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, और यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से अगर हम करेंगे तो हमने जस्ट कंट्रोल टी प्रेस करना होगा और हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ जस्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के मेन्यू पर नीचे स्टाइल शीट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, इस पर हमने अपनी न्यू स्टाइल शीट क्रिएट करनी है, तो न्यू पर हम जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ हमें नाम देना होगा कि हम अपनी स्टाइल शीट को क्या नाम देना चाहेंगे। यहाँ मैं TES या ST कुछ भी लिख देती हूँ यहाँ पे,
ओके करना है तो ये हमारे पास एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि हम ऐसी कौन सी की है अपने कीबोर्ड से प्रेस करना चाहते हैं जिससे हमारा वो स्टाइल शीट जो हमने क्रिएट किया हो वो हमारे पेज पर ही आ जाए, वो अप्लाई हो जाए। तो यहाँ मैं जो करूँगी वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और मैं यहाँ अपनी की जो दे रही हूँ एस मैं यहाँ प्रेस करूँगी, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूँगी, तो मेरी जो मैंने अपनी जो स्टाइल शीट क्रिएट की थी वो मेरी पेज पर अप्लाई हो जाएगी। देन फ्रेंड्स, आप अपने जो स्टाइल शीट क्रिएट करना चाहते हैं उसमें से कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप जो करेक्टर है उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, बाउंड्री दे सकते हैं, पैराग्राफ उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले करेक्टर में हम जाएंगे, यहाँ हम अपने जो टेक्स्ट है उसका साइज़ हम देखेंगे कि हमने जो हेडिंग्स वगैरह दी उसके टेक्स्ट का जो साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ मैं इतना कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ, और कलर यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, आप अपने जो टेक्स्ट है बाउंड्री और या जो भी है टेक्स्ट हेडिंग है उसका कलर यहाँ से कर सकते हैं सेलेक्ट, और जो आपकी हेडिंग हेडिंग्स हैं उनके अंडरलाइन करना है, सिंगल लाइन करना है, ओवरलाइन करना है, बॉक्स करना है, पैटर्न जो भी करना है आप यहाँ से वो कर सकते हैं। सिंगल लाइन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं जस्ट लर्न कर रही हूँ। यहाँ से अब आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, उर्दू लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ से आप उर्दू लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई से भी यहाँ कर दे, मैं यहाँ से बोल्ड कर रही हूँ। और आप अपने जो हेडिंग्स हैं उन्हें बोल्ड करना चाहते हैं, टैलिक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं बोल्ड कर रही हूँ और यहाँ जस्ट आपने ओके कर देना है। ये सब करके ओके करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा और इसको भी जस्ट आपने ओके कर देना है। यहाँ जस्ट आपने अभी डन करना है, डन पर क्लिक करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ से मैं साइज़ कैसे इंक्रीज़ कर सकती हूँ। यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ हम 20 कर देते हैं साइज़, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे है, लेकिन अगर हम अपने जो हमने स्टाइल शीट क्रिएट की थी वहाँ से करना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान के मिड में हम अपना कर्सर रखेंगे, किसी भी लफ्ज़ पर कर्सर रखेंगे तो हम उस पर स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूँगी तो यहाँ हमारी स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। देखिए अब यहाँ 20 साइज एज इट इज़ आ गया है, जैसे हमने वहाँ स्टाइल शीट में लिखा था। अब हमारी स्टाइल शीट जो हमने क्रिएट की थी यहाँ अप्लाई हो चुकी है। अब हम किसी भी हेडिंग्स में, किसी भी टेक्स्ट के मिड में अगर अपना कर्सर रख कर स्टाइल शीट जो की है वो अप्लाई करेंगे तो हमारी स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ मैं रख रही हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एस अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ये मेरी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी स्टाइल शीट। किसी भी टेक्स्ट पर अगर मैं अपना कर्सर रखूँ और की अप्लाई करूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ अगर मैं करती हूँ तो ये अप्लाई हो गया और यहाँ भी मैं अप्लाई कर देती हूँ स्टाइल शीट। जस्ट आपने वही की एंटर करनी है अपने कीबोर्ड से तो ये अप्लाई हो जाएगी, स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है अपने जो हेडिंग्स हैं तमाम के तमाम हेडिंग्स को इस तरह फॉर्मेट करने का। अब हम इन सब को एक साथ जो है वो अगेन से डिज़ाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इसके लिए हम कंट्रोल टी अगेन से क्लिक करते हैं कीबोर्ड से तो ये हमारे पास स्टाइल शीट आ जाएगी। फ्रेंड्स, हम अपने स्टाइल शीट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे कि हम इसको मॉडिफाई करें तो हमारे ये सब पर अप्लाई हो जाए। इसको मॉडिफाई करने के लिए हम अगेन अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी में ही ऑप्शन मौजूद है मॉडिफाई का, तो यहाँ से हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो हम जब मॉडिफाई करेंगे तो हमारे ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। जितनी भी हमारे शीट जो स्टाइल शीट है जहाँ भी अप्लाई है वहाँ वहाँ अगेन ये चेंजिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। तो ये ओपन हो जाएगा, इसको हम अगेन से करेक्टर में जाकर यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं ग्रीन कलर कर दूँगी ताकि प्रोमिनेंट हो जाए चेंजिंग्स में क्या क्या आई हैं। इटैलिक कर देते हैं यहाँ। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी इसकी राइटिंग वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अब कोई लाइनिंग वगैरह देख लेते हैं क्या थोड़ी सी मतलब कोई चेंजिंग आ जाए तो पता लग जाए। तो यहाँ से नीचे से मैं रिवर्स कर देती हूँ इसे। रिवर्स करने के बाद बस ओके कर देना है, तो ओके कर देना एंड देन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। हमारे जहाँ जहाँ हमारी स्टाइल शीट हमने अप्लाई की थी वहाँ ये मॉडिफाई भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए सारा अप्लाई हो गया। अब स्टाइल शीट का ये मैजिक देख लिया आपने। यहाँ से हम अपने जो है स्टाइल शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, से आपने सीखा कि आप अपने ये सब कैसे कर सकते हैं, स्टाइल शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं।
अब अगर आपने इसको रिमूव करना है तो अगेन कंट्रोल टी प्रेस करके बॉक्स ओपन करके यहाँ रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक मैसेज ओपन होगा, ओके कर देना है जस्ट इसे। तो ये देखिए हमारे रिमूव नहीं हो रही हमारी स्टाइल शीट जो हम इससे रिमूव करना चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रही, वजह ये है कि क्योंकि यही स्टाइल शीट हमने अपने पेज पर अप्लाई की हुई है पहले से ही, तो वहाँ से हम अगर रिमूव करेंगे तब जाके हम अपने स्टाइल शीट को रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल क्लिक करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे, सब पर ऐसे अप्लाई कर देंगे हम इसको। यहाँ से पेज से हम अपनी स्टाइल शीट को फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कर देंगे, सब जहाँ जहाँ भी अप्लाई है। तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है, यहाँ से भी अब रिमूव कर देती हूँ मैं इस वर्ड से भी, ये जो हेडिंग है तमाम हेडिंग से मैं पहले स्टाइल शीट को रिमूव कर दूँगी। नॉर्मल पर क्लिक करें एंड देन अप्लाई, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। यहाँ से भी हम अपनी स्टाइल शीट को रिमूव कर दें, देन जाके हम अपनी स्टाइल शीट को रिमूव कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल टी प्रेस करें, बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारी यहाँ स्टाइल शीट पर जो हमने क्रिएट की थी, इस पर क्लिक करें। अब हम रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आपने यस करना है और देन डन कर देना है। तो ये हमारी जो स्टाइल शीट थी वो रिमूव हो जाएगी। तो ये है आसान तरीका, हम अपनी स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइल शीट को रिमूव भी कर सकते हैं हम। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे मैंने बता दिए हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम इन तमाम टूल्स के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं और आज हम जो सीखेंगे वो है पिक्चर्स टूल्स के बारे में। पिक्चर्स टूल्स इन पेज में कैसे वर्क करते हैं, ये जो तीनों टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये तीनों टूल्स जो हैं पिक्चर्स टूल हैं। इन तीनों से हम पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं इन पेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रेक्टेंगुलर वाला सेलेक्ट करेंगे, इसे ड्रैग करके इंसर्ट करेंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ ड्रैग करना है, जस्ट यहाँ क्लिक करना है अपने माउस से तो यहाँ ये एक बॉक्स टाइप आ जाएगा। जब आप इसको अगेन डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इंपोर्ट पिक्चर का बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। देन आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी पिक्चर्स, या यहाँ से आप अपना कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं देन ओपन करते हैं तो पिक्चर आ जाती है। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह वर्क करती हैं इन पेज में। तो पहले हम इन तमाम जो टूल्स हैं इनको अप्लाई कर लेते हैं, राउंड वाले जो पिक्चर टूल है इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, जस्ट टू टाइम क्लिक किया है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है और जस्ट ओपन कर देना है। कोई सा भी पिक्चर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ, ओपन एंड जस्ट यहाँ ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर टूल विद राउंड एजेस, तो यहाँ मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक किया और ये मेरे पास इंपोर्ट पिक्चर का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी कोई सी पिक्चर्स तो ओपन एंड देन सेम प्रोसेस वैसे ही। एंड देन अब इस के हम प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज़ स्केलिंग के लिए हैं, मतलब हम कोई भी पिक्चर अगर बॉक्स में इंसर्ट करते हैं तो हम उसको बॉक्स में कहीं पर भी रखते हैं तो वहाँ उसकी जो है स्केलिंग वो शो होगी। जो ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ उसकी, ये देखें जैसे मैं यहाँ मूव कर रही हूँ तो ऊपर वो स्केलिंग जो है वो शो हो रही है। लेफ़्ट राइट मूव करती हूँ या अप डाउन मूव करती हूँ तो स्केलिंग शो होती है। नेक्स्ट है विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी, तो ऊपर वाला है विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए, नीचे वाली जो प्रॉपर्टी है वो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए है पिक्चर्स की, कि आप किस तरह विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं और हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने ये जो पिक्चर ली है इसकी दोनों साइड से विड्थ जो है कम है और इसकी हम सबसे पहले हाइट को थोड़ा देख लेते हैं। इसका हाइट मैं थोड़ा अभी कम करूँगी ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि कम या ज़्यादा कैसे होती है हाइट, तो ये किस तरह होती है। यहाँ से स्केलिंग कर लें इसकी, मैंने इसकी हाइट कम की है तो यहाँ पे देखें किस तरह छोटा सा हो गया है, हाइट इसकी कम हो गई है और ये बॉक्स में कैसे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अब मैं इसकी हाइट को इंक्रीज़ करूँगी तो ये पूरे बॉक्स पर फैल जाएगा, पूरा हो जाएगा मेरा जितना बॉक्स है। ये देखिए ये मेरा पूरा कम्प्लीट आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट है विड्थ, दोनों साइड से मेरे जो पिक्चर्स है
जिस बॉक्स में है दोनों साइड से उसकी विड्थ जो है वो कम है, तो इस पिक्चर की मैं यहाँ से विड्थ जो है इंक्रीज़ करूँगी ताकि मेरे पूरे बॉक्स में कम्प्लीटली आ जाए। अब मैं इसके थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ साइज़ विड्थ का, चलें थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ कर देती हूँ इसे, अभी थोड़ा सा बच गया। चलें खैर समझ आ गई होगी आपको कि इसे किस तरह करना है, इसकी ये यहाँ से विड्थ इंक्रीज़ होती है, तो इस तरह से हम इसकी यहाँ से विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने बॉक्स जितना भी बॉक्स है उतनी हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइटनेस एंड डार्कनेस, पिक्चर की लाइटनेस और डार्कनेस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, अब इसकी लाइटनेस हम इंक्रीज़ करते हैं कि यहाँ से लाइटनेस इंक्रीज़ करेंगे तो किस तरह ये हो जाएगी पिक्चर। यहाँ से इसकी ये देखिए मैंने इसको इंक्रीज़ किया तो इसकी लाइटनेस इंक्रीज़ हो गई है। नेक्स्ट अब हम ये सिलेक्ट करते हैं पिक्चर, यहाँ इसकी हम डार्कनेस इंक्रीज़ करते हैं, माइनस में करेंगे इसे तो इसकी डार्कनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, मेरी पिक्चर ये डार्क हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ इसकी डार्कनेस इंक्रीज़ कर दी, ये पिक्चर डार्क हो गई है। पहले वाली पिक्चर को मैंने लाइट कर दिया था, लाइटनेस इंक्रीज़ की थी, सेकंड पिक्चर की मैंने डार्कनेस इंक्रीज़ की, तो ये देखिए दोनों प्रोमिनेंट हो गया कि हम लाइटनेस डार्कनेस कैसे इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंगल, एंगल हम अब हम जो किसी भी पिक्चर का एंगल जो हम जिस मर्जी एंगल पर रखना चाहते हैं वो कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं कि हम अपने बॉक्स में पिक्चर का एंगल कौन सा रखना चाहते हैं तो वहाँ से हम रख सकते हैं। यहाँ से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसे एज इट इज़ कर देती हूँ वैसे जैसे था। चलें जी मैंने इसे वैसे कर दिया, अब इसे सेट कर देती हूँ मैं। अब नेक्स्ट ये दोनों ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर को, ये देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ किस काम की हैं और ये क्या काम करती हैं। ये देखिए मैंने इसको एक को सिलेक्ट किया तो ये फ्लिप हो गया, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये फ्लिप आउट करने के लिए हैं, पिक्चर फ्लिप आउट करने के लिए तीनों प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। तो हमें जिस भी डायरेक्शन में चाहिए तो हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं अपने पिक्चर को। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम जो हमारा पिक्चर बॉक्स है इसके हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब बॉक्स को पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन हो जाएगी इसकी एंड देन अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो बाउंड्री है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। बाउंड्री सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैंने बाउंड्री सिलेक्ट कर ली है, अब इसका जो विड्थ है इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ से विड्थ 10 कर देती हूँ मैं तकरीबन। तो ये देखिए थोड़ा बाउंड्री थोड़ी सी मोटी है तो अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ से इस बाउंड्री का हम कलर दे देते हैं। पिछली वीडियोस में हम तकरीबन यही सब कुछ सीख चुके हैं लेकिन जो नहीं जानते तो मैं इसलिए बार बार ये अगेन बता देती हूँ। यहाँ से इसको फिल कलर कर देते हैं, ये खूबसूरत हो जाएगा माशाल्लाह से। देखें तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। सिलेक्शन करके फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन करनी है और उसके बाद ये सब करना है। अब यहाँ से ये जो मैं कर रही हूँ यहाँ से कोई भी आप शेप दे सकते हैं अपने, जो आपको जो पहले वाला आपने किया था वो पसंद नहीं आया तो आप अगेन भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसकी भी बाउंड्री मैं ले लेती हूँ कोई सी भी यहाँ से, तो फिर नेक्स्ट है विड्थ इंक्रीज़ कर देती हूँ एंड बाउंड्री कलर फिल कलर कर देती हूँ यहाँ से मैं। फिल कलर करने के बाद ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत हो गया, पिक्चर ऐसे अच्छी नहीं लगती तो इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ अब यहाँ से अब सिलेक्शन हुई हुई है तो यहाँ से आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपना जो बॉक्स है पिक्चर बॉक्स, एंड देन इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करें और विड्थ इंक्रीज़ करें, फिल कलर करें, सब कुछ जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको अगर राउंड पसंद नहीं आ रहा तो आप रेक्टेंगुलर ले सकते हैं या फिर कोई भी चेंजेस करनी है तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो इस तरह से हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं अपने इन पेज में और
नेक्स्ट अब हम यहाँ से इसकी जो है फिल लाइनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो बॉक्स में है पिक्चर ऑलरेडी इंसर्ट है, तो ये फिल लाइनिंग्स नहीं होगी। अगर यहाँ पिक्चर ना होती तो हम जो है अपने बॉक्स की वो लाइनिंग कर सकते थे, पिक्चर इंसर्ट है तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना पेज जो है वो एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं पेज एक्सपोर्ट करने की नीड क्यों होती है। जब हमें कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है उसे किसी दूसरे फाइल में या दूसरे पीसी में या कहीं और ट्रांसफ़र करना है, तो तब हमें एक्सपोर्ट पेज की नीड आती है। एज अ जो है वो पिक्चर हमें अपना चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे। फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट पेज पर मैंने क्लिक किया एंड देन ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि हमने अपनी फाइल का नेम है वो क्या लिखना है, तो मैं यहाँ दीन इस्लाम लिख रही हूँ। नेक्स्ट है कि अब हमें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे, मतलब कि हमने अपने पेज पर जो भी कुछ भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ हम जस्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है ऑल पेजेस, अगर हमें तमाम के तमाम पेजेस को एक्सपोर्ट करना है तो हम ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ शो हो रहा है यहाँ ऑल पेजेस हैं मेरे पास, तो यहाँ लेकिन मेरे पास जो मुझे चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए ये इतना से इतना पेजेस चाहिए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं पेजेस फ्रॉम दैट टू दैट कि हम मुझे 2 से 5 तक पेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। नेक्स्ट है कि स्केलिंग, हम अपने पेज का जो टेक्स्ट है उसके फॉन्ट साइज़ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ जस्ट मेरे पास अब मैंने 1 ही एक्सपोर्ट करना है, तो मैं जस्ट 1:1 करूँगी तभी मेरा एक्सपोर्ट होगा। अब नेक्स्ट हम स्केलिंग करेंगे कि फ़ॉन्ट साइज की हम स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम परसेंट में स्केलिंग कर सकते हैं कि हमें अगर ज़्यादा चाहिए तो हम साइज़ यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो हम कम करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे ब्राउज़ कर देती हूँ कि मुझे कहाँ चाहिए अपना जो डॉक्यूमेंट है इसे मैंने कहाँ रखना है, तो यहाँ मैं फ़ाइल का नेम अगेन लिख लेती हूँ। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें कि आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है वो कहाँ सेव करना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ मैं फ़ाइल का नेम लिख देती हूँ एंड देन आपको सिंपली क्या करना है कि सेव कर देना है, तो ये आपका सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ की नीड क्यों होती है, हमें जब एक पीसी से फॉर एग्जांपल दूसरे पीसी में कन्वर्ट करना होता है तो हमें अगर नेक्स्ट पीसी में हमारे पास वो इन पेज ही नहीं है तो हमें एज अ पिक्चर वो चाहिए होगा, तो इसलिए हम ये एक्सपोर्ट करते हैं अपना एज अ पिक्चर। तो मैंने यहाँ जस्ट इसे सेव कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे ओपन कर देती हूँ, और ओपन करने के बाद हम इसकी रेजोल्यूशन भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ मैं इसकी रेजोल्यूशन चेक करती हूँ, देखिए ये थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ और थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। यहाँ देखिए मेरी जो टेक्स्ट की रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही, यहाँ तो मैंने रखा ही ऐसा था रेजोल्यूशन, तो ये देखें कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो चलिए आप अपना जो ये डॉक्यूमेंट है वो किसी भी और सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी इसमें और ऐड करना है, पेंटिंग करनी है, पिक्चर्स ऐड करनी है, कुछ भी करना है, तो अगेन आप किसी भी और सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। जस्ट अपने माउस से जो है वो राइट क्लिक करें और ओपन विद आ जाएगा, और किसी भी आप सॉफ्टवेयर से इसे ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है ओके पर, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने पेंटिंग में अगर मैं ओपन करूँ तो वो पेंट्स में आ जाएगा, तो वहाँ मैं थोड़ी बहुत ही और एडिटिंग भी कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट्स बगैर बैकग्राउंड के चाहिए, हमें फोटो एडोब शॉप या कोरल ड्रॉ ऐसे में हमें कोई अपना डॉक्यूमेंट विदाउट बैकग्राउंड चाहिए,
तो हम विदाउट बैकग्राउंड भी सेव कर सकते हैं। जस्ट फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट पेज करना है या नेम लिखना है, सब सेटिंग वैसे ही करनी है, लेकिन थोड़ी सी बस एक ऑप्शन आपको चेंज करना है तो आपका पेज एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिर हम उसे कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं, तो हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो विदाउट बैकग्राउंड शो होगा। अब यहाँ ब्राउज करना है, जहाँ आपको सेव करना है वहाँ कर लें एंड देन फाइल का नेम एंड देन सेव। नहीं, यहाँ हमें एक और ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। जैसे नीचे अब हमें एक ऑप्शन दिया गया है सेव एज टाइप, यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इनकैप्सुलेटेड का, EPS लिखा होगा यहाँ, तो इसे ओपन करें एंड देन जस्ट सेलेक्ट एंड देन सेव। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है विदाउट बैकग्राउंड सेव हो जाएगा। ओके कर दें जस्ट, तो हम इसे ओपन करके देखते हैं कि हमारा ये ओपन जो हमने डॉक्यूमेंट सेव किया है ये विदाउट बैकग्राउंड है भी या नहीं। तो यहाँ देखें EPS लिखा होगा और मैं इसे फोटो एडोब शॉप में ओपन करती हूँ, मेरे पास एडोब शॉप है तो मैं इसे वहाँ ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि विदाउट बैकग्राउंड जो डॉक्यूमेंट होता है वो कैसे सेव होता है। और हमें इसकी नीड इसलिए होती है क्योंकि हमें दूसरे जो सॉफ्टवेयर में अपनी जो वर्डिंग है, जो टेक्स्ट है, उसे मूव करना होता है। तो यहाँ मैं एडोब फोटोशॉप ओपन कर रही हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो विदाउट बैकग्राउंड कैसे होता है। ओके कर देना है जस्ट आपने, और यहाँ से ये देखें ये हमारा जो हमारी जो टेक्स्ट है, वर्डिंग है, वो विदाउट बैकग्राउंड है और हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। हम अपने जो एडोब फोटोशॉप है उसमें फाइल न्यू फाइल ओपन करके वहाँ पे भी अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि अपना हम डॉक्यूमेंट उसे एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद TS। फ्रेंड्स, इन पेस कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गाइडलाइंस कैसे हेल्पफुल होती हैं इन पेज में, और जो है टेबल है वो कैसे इंसर्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडलाइंस को देखते हैं कि वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर को है, ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है, हम इसे स्केल भी कहते हैं, और यहाँ जैसे डबल एरो शो हो रहा है, मैंने इसे जस्ट क्लिक किया है अपने माउस से और यहाँ छोड़ा है तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब ये जो है ये वाली है वर्टिकल गाइडलाइन या स्केल, तो इस तरह से पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या कमाल है। सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ ड्रा कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गाइडलाइंस को। फ्रेंड्स, इसका मकसद ये है कि हम कुछ भी अगर ड्रा करना चाहते हैं तो वो हमारा परफेक्टली होगा, मतलब कुछ कोई बॉक्सेस हमने एक साइड पे बॉक्स बनाना है और दूसरे साइड पे सेम वैसा ही बॉक्स बनाना है, तो गाइडलाइन से बेस्ट होगा कि हमारा हम दोनों साइड से एक जैसे बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स बना लें। तो इस ये बिल्कुल परफेक्ट काम होता है गाइडलाइन से। मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, अब दूसरा मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। आपने जब करना है तो ऊपर की स्केलिंग भी देखनी है, तो इस तरह से आपका परफेक्ट सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने दो बॉक्स ड्रॉ कर दिए हैं, अब मैं इन जो लाइंस हैं गाइडलाइंस, इन्हें जस्ट वन टाइम क्लिक करूँगी और इसे वैसे ही वहाँ रख दूँगी जहाँ से हमने इसे लिया था। यहाँ मैं एक और बॉक्स बना देती हूँ। अब सिलेक्शन टूल लेना है, इन गाइडलाइंस को वैसे ही अगेन जहाँ से लिया था वहीं मूव कर देना है, बस मैं मूव कर देती हूँ यहाँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से हेल्पफुल होता है। अब मैंने गाइडलाइंस यूज़ की हैं तो जिस तरह मुझे बॉक्सेस चाहिए थे परफेक्ट वैसे ही बॉक्सेस बन गए हैं, लेकिन विदाउट गाइडलाइंस ऐसा परफेक्ट काम नहीं होता। ये देखें, ये मैंने बॉक्सेस बनाए थे और दो ऊपर वाले जो दो बॉक्सेस हैं
मैंने ये एक जैसे तकरीबन बनाने की कोशिश की है। मैंने ऊपर से स्केलिंग नहीं देखी थी, लेकिन जिस तरह मैंने चाहे थे वैसे बन गए हैं। लेकिन अब अगर हमने विदाउट अगर हम ड्रा करें गाइडलाइंस के, तो हमसे परफेक्ट ड्रा नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं हो सकता। जब गाइडलाइन हम ड्रा करते हैं गाइडलाइंस के ज़रिए, हम बिल्कुल एज इट इज़ एग्जैक्ट कर लेते हैं। तो ये जूमिंग करने से हमें परफेक्ट पता चलेगा कि हाँ क्या मतलब कि कुछ अप्स डाउन हैं या नहीं। तो इस तरह से हम परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन गाइडलाइंस के साथ हम परफेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हम टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए अपने माउस से राइट क्लिक करें और ये एक मेन्यू शो होगा जिसके नीचे ये सबसे लास्ट में है टेबल का ऑप्शन है, तो वहाँ क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट टेबल का ओपन हो जाएगा। यहाँ कॉलम रो और जिस तरह से जितने हमें चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन के बाद आपने जस्ट ओके कर देना है। अभी हम वो नीचे कॉलम विड्थ को नहीं देख रहे, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। ओके कर दें जस्ट, तो हमारा टेबल जो है वो ओपन हो जाएगा। टेबल ओपन होने के बाद इसे जस्ट अभी ओके कर देंगे। ये देखिए मेरा टेबल ओपन हो गया है। मैंने 5/5 का लिया है, 5 रोज़ एंड 5 कॉलम लिए हैं मैंने। मेरा कर्सर जहाँ ये ब्लिंक हो रहा है, या इसे हम एक सेल कहते हैं, ये जो बॉक्स है एक बॉक्स एक सेल होता है। तो मेरे पास एक कॉलम में 5 सेल्स हैं, इनको मैं सेलेक्ट करूँगी और नेक्स्ट फॉर्मेटिंग करती हैं। हम अपने टेबल की फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन इसका फिल कलर करते हैं। माउस से राइट क्लिक करें और सेकंड लास्ट ऑप्शन में टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद है, जस्ट क्लिक करें तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसके अब हम फिल कलर करेंगे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्शन के बाद ही ये हम कर सकते हैं, वैसे नहीं ओपन होता। तो फर्स्ट है सेल, सेल जो मैंने आपको बता दिया, मेरे पास मैंने जो एक कॉलम सेलेक्ट की है उसमें 5 सेल्स हैं। तो यहाँ से अब हम इसका फिल कलर करेंगे। मैं यहाँ कोई कलर ले लेती हूँ, एक ग्रे कलर ले लेती हूँ, सेलेक्ट कर लेती हूँ और जस्ट ओके कर देना तो ये फिल कलर हो जाएगा। ये देखिए फिल कलर हो गया। अब हम फुली एक अपना जो टेबल है उसकी बाउंड्री को एडिट करते हैं। फुली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन टेबल फॉर्मेट बॉक्स ओपन करना है। और ये जो है बॉर्डर, बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। यहाँ से हम अपने जो टेबल है उनके बॉर्डर्स हैं उनका हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से कोई सभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ से हम इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे जिस स्टाइल में हमें बाउंड्री चाहिए, जो हमें पसंद है। तो यहाँ मैं कोई अच्छी सी ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल जाए, ये देखिए ये वाली मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। और नेक्स्ट अब इसका है कि हम इसी बाउंड्री का जो विड्थ है उसको यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जितनी मर्जी हमें बाउंड्री चाहिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ओके कर देना है। तो ये हमारे पास टेबल फॉर्मेटिंग हो चुकी है, इसकी बाउंड्री जो बॉर्डर है उसको हमने फॉर्मेट किया एंड देन हम अपने अब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इनके जो विड्थ होती है उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, जिस में भी मतलब जो भी आपने इंक्रीज करना है विड्थ, जिसकी भी इंक्रीज करनी है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ कॉलम का ऑप्शन है और उसमें विड्थ विड्थ यहाँ से हम अब 1 point something है, तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। तो यहाँ से हमारा जो सेल्स है बॉक्स है उनकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ इनकी विड्थ इंक्रीज हो गई है यहाँ से इनकी है। तो नाउ अब हम गैप का कुछ देखते हैं। पहले मैं यहाँ कुछ लिख लेती हूँ गैप, अब सबके दरमियान गैप कैसे परफेक्ट करना होता है। तो अब ये हम ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे थोड़ा डिक्रीज कर देती हूँ, विड्थ कुछ ज़्यादा हो गई है, विड्थ मैं इसकी कम कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ फिलहाल। ओके देन अब यहाँ लिखते हैं कुछ और इसको सबको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है।
ठीक है जी, मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया। अब इसको सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद टेबल फॉर्मेट एंड देन अगेन यहाँ गैप का ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग कुछ दिया गया है गैप, लेकिन मैं यहाँ अब 1 कर रही हूँ। 1 करने के बाद ओके कर देना है। यहाँ गैप देखें बिल्कुल इक्वली गैप आ चुका है इनके दरमियान। हमारे जो पहले वर्ड्स थे वो बाउंड्री के बिल्कुल पास थे, लेकिन अब हमने गैप किया तो ये थोड़ा आगे मूव हो गए हैं। तो इस तरह से इक्वली जिस जिसको हमने सेलेक्ट किया था, तो इस तरह से वो सभी उन पर अप्लाई हो जाएगा ये गैप। तो इस तरह से हम कोई भी नंबरिंग देते हैं तो अगर वो बाउंड्री के ज़्यादा करीब है तो सबको हम सेलेक्ट करके वो आगे मूव कर देते हैं, या कोई भी ऐसी वर्डिंग हो। अब नेक्स्ट सेलेक्ट करना है हमने ये, एंड देन अगेन टेबल फॉर्मेट और फिर इंटेंट का ऑप्शन मौजूद है। टेबल टेबल में इंटेंट और अलाइनमेंट का ऑप्शन मौजूद है। तो इंटेंट हम चेक करते हैं, पहले 0 पॉइंट समथिंग था और अब मैंने 1 कर दिया। तो ये होता है इंडेंट कि यहाँ से अब गैप हो गया है हमारे पेज का और टेबल के जो टेबल है हमारा थोड़ा लेफ्ट अलाइन हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सबको सेलेक्ट करें, टेबल फॉर्मेट एंड देन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने अपने टेबल की अलाइनमेंट अपने पेज में कहाँ करनी है, लेफ्ट राइट या सेंटर्ड, तो यहाँ से हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं लेफ्ट कर रही हूँ, ओके, एंड देन ये देखिए यहाँ अप्लाई हो गया। आप यहाँ से आप कुछ भी अपना कर सकते हैं, राइट अलाइन करें, सेंटर्ड करें, जो भी करें यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहीं पर भी अपना टेबल है वो अलाइन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इन पेज में जो दरख्वास्त है एप्लीकेशन, उसे कैसे कंपोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है जॉब्स के लिए तो हमें अप्लाई करना पड़ता है और दरख्वास्त सेंड करनी पड़ती है, तो उसे हम इन पेज में कैसे कंपोज करते हैं। तो सबसे पहले फ़ाइल के मेन्यू में जाएं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें और यहाँ साइजेस, हमारा जो पेज है एप्लीकेशन पेज या लेटर पेज वो साइज़ मौजूद होता है, तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। 8.5 विड्थ और हाइट जो होते 11 होती है, तो हमने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास पेज ओपन हो चुका है हमारा। और यहाँ पर हम सारे लिखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने करना क्या है। तो इस तरह से हमने अपनी दरख्वास्त राइट करनी है। ओके, तो अब हम अपना न्यू पेज जो हमने ओपन किया था गेन ओपन से करते हैं और यहाँ राइट डाउन करते हैं, बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर साहिब, बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर साहिब, ज़िला बहावलपुर। अब हम ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, साइज़ 36 तक तकरीबन कर देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर वाली हेडिंग है। और अब इसकी यहाँ से हम कोई सी भी राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो होती है वह यही होती है, नूरी नस्तालिक बतनी क्या है ये। तो अब इसको हम सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और इसको हम लेफ्ट राइट अलाइन कर देंगे। हमारा जो कर्सर है यहाँ पे लिखेंगे जनाबे आली, लिखने के बाद हम फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सेट कर लेते हैं, 18 कर देते हैं इसे, क्योंकि ये जो हेडिंग है उससे थोड़ा इसका साइज़ जो होता है वो कम होता है। एंड एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और नेक्स्ट लाइन में आपने स्पेस एंटर करना है और जनाब आली से आगे ही स्टार्ट करना होगा। गुजारिश है कि मुझे रोज़नामा जंग से पता चला है कि आपके अदारे में गुजारिश है कि मुझे रोज़नामा जंग से पता चला है कि आपके अदारे में जूनियर क्लर्क की कुछ आसामियां खाली हैं और दरख्वास्तें मतलूब हैं।
मैं इस में बतौर जूनियर क्लर्क अपनी खिदमात सरंजाम देना चाहती हूँ। मेरे तमाम कागजात दरख्वास्त के साथ मुंसलिक हैं। अब आगे आप मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं। मैं मतलूबा तालीमी मयार को पूरा करने के साथ साथ कंप्यूटर का वसी तजर्बा रखती हूँ। मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी तालीम और पेशा वाराना महारत आपके अदारे और मुल्क व कौम दोनों के लिए मुफीद है और मेरा तजुर्बा आपकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक है। मेहरबानी फरमा कर मेरा इंतखाब करके शुक्रिया का मौका दें। आपकी ऐन नवाजिश होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने ये सब लिख देना है और आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और डबल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, एक सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। एंड देन अलारिस, उसके बाद उसके नीचे अपना वल्दियत, अपना नाम के साथ वल्दियत, घर का पता, फ़ोन नंबर और तारीख लिख देनी है। अब इन्हें हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। अब सबको सेलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद इनका साइज़ एक ही रखना है। साइज़ हम एक ही रख देते हैं इसका। एंड देन इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अल आरिस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि ये बाकी जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा बड़ा होता है। और उसके नीचे ही एक ही लाइन में हम लिखेंगे ये सारी चीज़ें। सेलेक्ट ऑल, और ये देखिए मैं इस तरह से आपका कम्प्लीटली एक जो दरख्वास्त है वो इस तरह बन जाएगी। अल आरिस जो उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। तो इस तरह से हम इन पेज में दरख्वास्त लिखते हैं। किसी भी किस्म का कोई इशू है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना जो लेटर है वो इन पेज में कैसे टाइप कर सकते हैं और किस तरह टाइप किया जाता है। सो फाइल के मेन्यू में जाएंगे, सबसे पहले न्यू पेज ओपन करेंगे। न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ से हम अपना पेज साइज़ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ लेटर साइज़ ऑलरेडी मौजूद होता है, 8.5x13 होता है, लेकिन हम यहाँ 11 भी कर सकते हैं 13 की जगह। सो यहाँ हम 11 कर देते हैं। आप 13 भी ले सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, नो इशू। पोर्ट्रेट सिलेक्ट है तो एज इट इज़ रहने देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारा ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब हम अपना पूरा लेटर सबसे पहले यहाँ टाइप कर लेंगे और इस तरह से हम कुछ टाइप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मौजू लिखेंगे। मौजू कोई भी आप जो आपका ख़त का मौजू है, नोटिस पर आए तनसीखे मुलाजमत। मोहतरम जनाब सागर साहब, नोटिस मोहतरम जनाब सागर साहब, नोटिस के ज़रिए आपको मतला किया जाता है कि आपको। फ्रेंड्स यहाँ हम सबसे पहले ओवरऑल जो लेटर है
वो लिख लेंगे और लेटर टाइप करने के बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। मुलाजमत के दौरान आपके या अदारे की तरफ से एक माह की पेशगी नोटिस के साथ मुलाजमत छोड़ी या ख़त्म की जा सकती है। इस सूरत में आप सिक्योरिटी की रकम आपको वापस कर दी जाएगी एक माह के पेशगी नोटिस के बग़ैर मुलाजमत छोड़ने पर सिक्योरिटी की रकम और एक माह की तनख्वाह काट ली जाएगी, जबकि दरख्वास्तगी की सूरत में अदारा एक माह की पेशगी तनख्वाह अदा करने का पाबंद होगा। एंटर एंड नेक्स्ट लिखना है। आप अपने अक्टूबर के महीने कुछ भी लिख सकते हैं, अक्टूबर के महीने की तनख्वाह और बमा सिक्योरिटी की रकम और मुलाजमती माहदे के मुताबिक एक माह की पेशगी तनख्वाह का चेक, तो इस तरह ये सब कुछ लिख लेना है। अपने अकाउंट से वसूल करने के मिजाज हैं। अब हम अपने जो लेटर है उसकी फुली सेटिंग कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जो हमने हेडिंग दी थी इसको बोल्ड करना है, इसका साइज़ हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे बाकी टेक्स्ट से, क्योंकि बड़ा ही होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट सब हेडिंग है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद इसको भी हम थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट, अब हम इसको ओवरऑल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद हम इसे इसका साइज़ जो है वो एक जैसे कर लेते हैं सबका। अब हमने इसको मिड में कर देना है, क्योंकि ये हेडिंग है तो ये मिड में होती है। अब हम इसकी मज़ीद सेटिंग कर लेंगे और हमने जो नीचे हमने जो लिखना होता है, जिसे हम सेंड करते हैं लेटर, जिसे सेंड करता है उसका नाम लिख देते हैं, या कोई अदारा होता है उसको कोई नाम लिख देते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, मैंने इसे ख़त लिखा है तो मैं इसका नाम लिख रही हूँ कि इसकी तरफ जाए। अब हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ओवरऑल सिलेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि पहले आप ओवरऑल जो अपना टेक्स्ट है वो राइट कर लें और उसके बाद इसकी सेटिंग करें, तो इस तरह से ईजी हो जाता है। तो अब हमारा ये लेटर कम्प्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। एक्सपोर्ट करना आपने सीखा था पिछली वीडियोस में। तो इस तरह से देखिए हमारा ये लेटर टाइप हो चुका है और इस तरह से इसकी वर्डिंग्स आ चुकी हैं। हम इसकी रेजोल्यूशन भी देख लेते हैं, रेजोल्यूशन इसकी कितनी हाई क्वालिटी की है। तो देखिए मैंने कितने इसे जूम किया लेकिन फिर भी इसके जो वर्ड्स हैं वो ब्लर नहीं हुए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी इन पेज में सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मैं से वीडियोस में बयान कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, इन पेज कोर्स की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में बैक साइड पे हम अपना कोई भी लोगो एज अ वाटर मार्क कैसे पेस्ट कर सकते हैं, या अपना कोई भी वर्डिंग है, कोई भी अगर हमारे अदारे का नाम है, कुछ भी है, वो वाटर मार्क एज अ वाटर मार्क कैसे लिख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। अब हमने क्या करना है, जस्ट हमने न्यू पेज ओपन करना है। न्यू पेज ओपन करने के बाद हम देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी पहले से टेक्स्ट राइट किया हुआ है, तो वो हम देख लेंगे कि हमने किस तरह से एज ए पिक्चर और एज अ टेक्स्ट हमने अपना वाटर मार्क टाइप करना है, यहाँ वाटर मार्क ऐड करना है। तो इस तरह से हम कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं और इस तरह से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
अब हम चलते हैं अपने न्यू पेज पर। वहाँ से मैं अपना टेक्स्ट ओपन करूँगी जो कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ हम अपना जो कोई भी लोगो है, पिक्चर है, वो ऐड करना सीखेंगे एज अ वाटरमार्क। सबसे पहले पिक्चर टूल लेना है, ये आपने पिछली वीडियोस में सीख लिया है। और हम अब यहाँ पिक्चर ऐड करेंगे या कोई भी लोगो ऐड करेंगे और हम उसे एज अ वाटरमार्क यहाँ पुट कर देंगे। सो क्लिक करें, पिक्चर ऐड करें। मैं अपना जो मेरा लोगो है अपने चैनल का, वो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ। आपने इसकी सिलेक्शन करके जस्ट वन टाइम क्लिक करना है, सिलेक्शन करनी है और ओपन कर देना है, तो आपकी पिक्चर ओपन हो जाएगी। लोगो डिज़ाइनिंग एंड देन मैंने अपना लोगो सिलेक्ट करना है, एज अ वाटर मार्क मैं यहाँ पुट करूँगी। अब यहाँ मेरा जो लोगो है वो आ चुका है, एज अ पिक्चर मैंने यहाँ पुट कर दिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग जो लेंथ विड्थ जितना बड़ा छोटा रखना है उतना कर लेंगे। और इसके अब ये बहुत ज़्यादा जो है हमारा डार्क है, तो इसको लाइट भी करेंगे। सबसे पहले इसकी जो है मैं विड्थ इंक्रीज़ कर देती हूँ यहाँ से, कि मुझे कितना ये बड़ा यानी कि चौड़ा चाहिए, तो इतना मुझे चौड़ा चाहिए। अब इसकी लंबाई थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से, इतना अब लंबा मुझे चाहिए। मतलब जितना भी आप लंबा या चौड़ा जो पिक है रखना चाहते हो, यहाँ से आप इसके सिलेक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हम इसकी लाइटनेस इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ड्स भी डार्क हैं, हमारा जो पिक्चर है वो भी डार्क है, तो इसे लाइट थोड़ा होना चाहिए ताकि हमारे इसके ऊपर जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली नज़र आएँ। तो मैंने इसकी लाइटनेस इंक्रीज़ कर दी है। अब यहाँ हमारा जो लोगो है उसकी लाइटनेस जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं इसके ऊपर प्रोमिनेंट नज़र आ जाएं। अब यहाँ से हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, अपने कोई भी पिक्चर है, लोगो है, किसी तरह से भी हम रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे। सिलेक्शन टूल लेने के बाद जो हमारा पिक्चर टूल है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्शन के बाद हम यहाँ से इसकी कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं, अगर हमने किसी भी तरह से अपना जो अपनी जो पिक्चर है वो इंसर्ट करनी है किसी भी शेप में। यहाँ से हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं। देन अब जस्ट अपने क्या करना है, एडिट में जाना है, एडिट में जाके सेंड टू बैक कर देना है, तो ऐसा ये वाटर मार्क आपकी पिक्चर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी जो पिक्चर है, कोई भी लोगो है, वो अपना एज अ वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं और जस्ट आपने एक्सपोर्ट कर देना है। अब नेक्स्ट है कि हम अपना टेक्स्ट या अपने इदारे का जो नाम है वो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी से जो हमारे वर्ड्स थे वो टाइप किए हुए थे, और मैं अगेन आपको ये समझा देती हूँ ये किस तरह हमने किया था। सबसे पहले हमने टूल लेना है, ये इन दोनों टूल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सेकेंड वाला जो टूल है ये आपने लेना है और यहाँ जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ कोई भी आप राइटिंग करेंगे, इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, जैसे चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ राइटिंग करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे। आप अब ये पहले भी सीख चुके हैं तो इस तरह से आपको आसानी होगी, मैं थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ। यहाँ से आप इसकी राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं, आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, और कलरिंग, बाउंड्री सेटिंग और साइज़ वगैरह ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और आपको जिस तरह का मर्ज़ी आप अपना टेक्स्ट यहाँ करना है वो यहाँ कर सकते हैं। इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको जस्ट ग्रे कर दिया है। अब जो भी आपने कलर रखना है उसकी जो लाइटनेस है वो अपनी इंक्रीज़ ज़रूर करनी है, ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो इसके ऊपर क्लियरली नज़र आएँ। अब यहाँ से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कहीं कैसे भी करके आप इसे रख सकते हैं, जिस तरह से एंगल चाहें जिसका चेंज कर सकते हैं और जहाँ मर्जी इसे रख सकते हैं। तो आप डबल टाइम भी इसे लिख कर ऐड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब जस्ट इस एडिट में जाके अपने सेंड टू बैक कर देना है पिछले की तरह, तो ये हमारा बैक आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने जो कोई भी अदारे का नाम है एज अ वाटर मार्क यहाँ ऐड कर सकते हैं, या कोई भी नाम है जो हम ऐड करना चाहते हैं एज अ वाटर मार्क, तो हम वो ऐड कर सकते हैं। अब ये है हमारा पिक्चर वाटर मार्क, और इस तरह से पिक्चर इंसर्ट करते हैं एज अ वाटर मार्क। और ये है हमारा टेक्स्ट वाटर मार्क, के टेक्स्ट किस तरह हम पुट कर सकते हैं।